मिलर के साथ क्या होगा क्या? अब ये विंडोलर की जो स्पीड है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी वन इज अप्रोक्सीमेटली यू वन, अप्रोक्सीमेटली यूज करेंगे। जाहिर सी बात है बिलोर भले छोटा है लेकिन उसने कुछ तो गेन किया है ना, उसने एनर्जी तो गेन हुई है ना, एनर्जी की कंजर्वेशन होती है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कहेंगे और ये इस तरह से भागना शुरू करेगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू वन, जैसे डबल स्पीड से फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास इसके स्पेशल केसेस बेटा, ये हो गए हमारे पास इलास्टिक कूलियन। इसके बाद इसका आखिरी टॉपिक है बेटा फ्रिक्शन मोटर, जो मेरे मैंने कहने तो इंटर गया। तो ऑनलाइन किला तो ठीक है ना, तो ते घर तो सब क्यों तो नहीं भाई, तेरी किसकी घर को किला तो ठीक है या उससे शायद रहने मतलब तुम दे रहे हो तो तुम्हारे तो किला तो हमके सामने अब इसके बाद है हमारे पास अपनी टॉपिक है फ्रिक्शन। या फ्रिक्शन किसको कहा जाता है, इसमें कांसेप्ट आता है बेटा, तो कांसेप्ट को थोड़ा समझ लीजिएगा फिर ये चीज आपके लिए आसान बन जाएगी। ये जो हम फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं सॉलिड फ्रिक्शन, आगे जो इसके पीछे जो टॉपिक दिया हुआ है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन का। फ्लूइड फ्रिक्शन का टॉपिक इसे बाद में दिया हुआ है। अब ये फ्रिक्शन ठीक है, फ्रिक्शन बेटा फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रिक्शन जो होती है एक ऐसी फोर्स होती है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजिस मोशन। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो मोशन को अपोज करती है। देखिए क्या कहते कि ये वो फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है, तो इसका मकसद है ये वो फोर्स है जो हर वक्त मौजूद नहीं रहती, ठीक है। जैसे नींद होती है ना वो आपको हर वक्त नहीं आती, तब आती है जब आप पढ़ने की कोशिश करते हर वक्त नहीं आती, अगर आपको मोबाइल से दे दिया कहा जाए कि व्हाट्सएप यूज करो या एंजॉय करो तो आपको नींद नहीं आएगी, सारी रात बैठे रहोगे, ठीक है ना। तो ये होता है कि नींद भी तब आती है जब आप पढ़ने की कोशिश करते हो, बहुत नींद आती है, रोना भी आता है, गुस्सा भी आता है और फ्रस्ट्रेशन फिर मैसेज कोई ना कोई कर देते हो कि फिलहाल टेस्ट नहीं आई, फिलहाल पीडीएफ नहीं आया, ग्रुप के अंदर पड़ा होता है आपका मैसेज आ रहा होता है सर आज वाला तो पीडीएफ आया ही, मेरे पास कल वाले के 5-8 मैसेज पड़े, आज वाला पीडीएफ आया ही नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है आपकी, आपको पता नहीं लगता करना क्या है आपको, ठीक है ना। तो आपके हालात जो है वो बहुत खराब है, अल्लाह ताला आपके ऊपर लेकिन हालात आपके बहुत धीरे खराब हो रहे हैं और 27 अगस्त पे टेस्ट हो जाएगी, हल्का न ले ठीक है ना, हल्का न ले 27 पे हो जाएगी। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, ठीक है, इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन है, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता क्योंकि आपको पता है सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं तो अरे वो टमाटो अब इस अब ये जो फ्रिक्शन होती है वो पॉलिटिकल गैलर के पावर को राइज है तब हम आंग्रियम तक कहते हैं, तब ये तो जो राज है आंग्रियम तक जो तो ये हमी इंजर समझो रखें कि कुछ क्यों ना ये सब तो देखें फ्रिक्शन का डेफिनेशन ही है फ्रिक्शन की क्या पोजीशन टू द मोशन,
इसका मतलब है बॉडी मूव करेगी या मूव करने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन आएगी। जरूरी थोड़ी हर वक्त फ्रिक्शन हो, हर रेस्ट वाली बॉडी में फ्रिक्शन हो जरूरी नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन को तल होता है मोशन को अपोज करता है। जब बॉडी मूव करेगी या करने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन पैदा होगी। तो आप कहोगे फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड, फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी मूव्स आर टेंस टू मूव। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह से बॉडी ठीक है, अगर इस तरह से बॉडी है, वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन। मेरे बॉडी मूव करने की कोशिश ही नहीं कर ठीक है, तो ये फ्रिक्शन जीरो। अब अपने अपना दोनों का कंसिडर क्या हो, वो कहेंगे सर फिर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, मीन्स फ्रिक्शन एट रेस्ट क्या है ठीक है, वो ये बोलता था मैं आपको। अब यहाँ पे ये होता है अगर ये बॉडी इस तरह से वेट है, नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर यहाँ से आप फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी बॉडी रेस्ट में, मीन्स आप फोर्स अप्लाई करके इसको मूव करवा रहे हो लेकिन फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मकसद है अब इसको अपोजने की कोशिश। अब इस कंडीशन के अंदर फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब फ्रिक्शन, क्योंकि अब बॉडी अगर रेस्ट में भी है तो भी फ्रिक्शन के बॉडी को मूव करवाने की कोशिश कर दो, मीन्स वेट और नॉर्मल रिएक्शन के सिवा कोई और फोर्स लगे। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होता है उसके ऊपर वेट इज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन, वेट इज ऑलवेज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, ये भी ध्यान से निकाल देंगे। वेट और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बराबर होते नहीं होते, ये माइंड से निकाल दें, ये सिर्फ तब इक्वल होते हैं जब हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है और नो अप्लाइड फोर्स होता है ठीक है। ये यहाँ पे देख ले, यहाँ पे फ्रिक्शन होगी। अब आ जाए इंक्लाइन प्लेन पे, अगर इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी इस तरह से पड़ी है, इसके ऊपर भी अगर दो फोर्स लग रही है, वेट है, नॉर्मल रिएक्शन, अब फ्रिक्शन होगी या नहीं। अब बगैर अप्लाइड के भी होगी, क्योंकि यहाँ पे वेट के होते हैं दो कंपोनेंट, एक होता है डब्ल्यू कॉस थीटा और दूसरा क्या होता है W sin theta, W sin theta इसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से इसको कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन, मेन फ्रिक्शन इज नॉट। तो इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई बॉडी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी रेस्ट में, तो इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट वाली बॉडी के अंदर हमेशा फ्रिक्शन, इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट में जो बॉडी होती है उसमें हमेशा फ्रिक्शन हो। लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो बॉडी होती है ना उसमें फ्रिक्शन हो न हो जरूरी नहीं ठीक है, कंडीशनल चीजें। तो फ्रिक्शन तब पैदा होती है जब कोई बॉडी मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, और फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट फोर्स, या ये पॉइंट्स आगे डिस्कस करेंगे, अगर टाइम हो गया आप लोग जाए यहाँ से, चलो कल डिस्कस करेंगे, कल ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारे चाचू ही लगे हैं, भाई लगे हैं बेटे तुम्हारे, इनकी अम्मा तुम्हारी अम्मा की उम्र की होती नहीं।